गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आईपी सॉल्यूशन में। देखिए, बिहार स्टेट के लिए कल शाम को भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है शिक्षा विभाग को कि आप जो अभ्यर्थी जिनका एज एक्सपायर हो गया है उनको आप एक मौका देंगे। उसी को लेकर के शिक्षा विभाग जो है वो उलझन में आ चुका है कि क्या करें। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या होने वाला है बिहार स्टेट में। तो यदि ऐसा होता है, शिक्षा विभाग एक बार फिर से लिंक ओपन करता है नया आवेदन लेने के लिए नए अभ्यर्थियों के लिए। देखिए, उनके लिए है ये जो पहले बीएड कर चुके हैं, और मैं आपको बता दूं कि 2011 में ही एग्ज़ाम हुआ था, इसके बाद एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इसी को लेकर के लोगों ने विवाद किया था, अभ्यर्थियों ने विवाद किया था कि 2011 के बाद हमें मौका नहीं मिला है, तो 8 साल का एज जो है, 8 साल के एज में हम लोगों को छूट मिलनी चाहिए। इसको लेकर के पटना हाई कोर्ट में स्टूडेंट ने अपना रिट जो है वो दिया था। तो पटना हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि उनको मौका मिलनी चाहिए। 7 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन अब जो है शिक्षा विभाग चूँकि उलझन में पड़ गया है, लोगों से सलाह मशवरा ले रहा है, तो ये तय है कि एग्ज़ाम 7 नवंबर को नहीं होगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जो न्यूज़पेपर प्रभात खबर में आज का न्यूज़पेपर में आया है उसको देखेंगे। लिंक यदि ओपन होता है तो एक बार फिर से 1.20 लाख नए अभ्यर्थी, मतलब कि लगभग 1 लाख से ऊपर अभ्यर्थी फिर से आवेदन करेंगे। तो कंपटीशन भी यहाँ पे हाई होने वाला है, थोड़ा सा हाई हो जाएगा। इसके बाद जो स्टूडेंट जिनको मौका नहीं मिल रहा था उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि उनको फिर से मौका मिल जाएगा। साथ ही साथ जो अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए भी खुशखबरी होगी कि समय बहुत ही कम दिया गया था आपको तैयारी करने के लिए, समय आपको मिल जाएगा क्योंकि परीक्षा की तिथि बिल्कुल बढ़ाई जाएगी। अगर इतने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो फिर से क्वेश्चन पेपर सेट करने पड़ेंगे और भी क्वेश्चन पेपर छपवाने पड़ेंगे, तो इसके लिए प्रक्रिया जो है वो थोड़ा सा प्रक्रिया और भी बढ़ जाएगी। तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है 7 नवंबर को, क्योंकि अभी जो है अगर अभी से भी 2-4 दिन बाद भी स्टार्ट करते हैं लिंक, तो नवंबर तक तो ये लोग अप्लाई ही करवाएंगे फॉर्म, तो कैसे हो जाएगा एग्ज़ाम? एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो क्या उलझन है, चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देंगे। और बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्द निकालने वाला हूँ, थोड़ा सा मैंने लेट किया टेस्ट सीरीज में क्योंकि अभी BPSC का एग्ज़ाम होने वाला था और संपन्न हो चुका है 65वीं BPSC का, तो इसी में मैं थोड़ा सा लगा हुआ था। बाकी अब जो है वो दारोगा और बिहार स्टेट के ऊपर ही सिर्फ काम करना है, तो थोड़े से दिन ही आप इंतज़ार कीजिए, डेट भी बढ़ने वाला है, आप आराम से तैयारी करें। ओके, देखिए यहाँ पे ये प्रभात खबर का आज का न्यूज़पेपर है और इसमें क्या लिखा हुआ है। STET मामले को लेकर उलझन में शिक्षा विभाग, हाई कोर्ट के आदेश को लेकर उलझन, कानूनविदों से विभाग ले रहा सलाह। ओके, STET के संदर्भ में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षा विभाग उलझन में है, हालांकि उसे अभी निर्णय की आधिकारिक कॉपी नहीं मिली है। आदेश की कॉपी की समीक्षा के लिए वह विभाग के कानूनविदों से राय लेने की तैयारी में है। विभाग STET की कानूनी हैसियत भी जांच रहा है। फिलहाल अगर कोर्ट का आदेश माना जाएगा तो उन्हें नए सिरे से आवेदन का मौका देना होगा, और कोर्ट का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। परीक्षा भी आगे बढ़ानी पड़ेगी, प्रश्न पत्र भी और छपवाने पड़ेंगे, ऐसे में अभी तक की तैयारियां धरी रह सकती हैं। जानकारों के मुताबिक अगर बढ़ी हुई उम्र सीमा के हिसाब से आवेदन लिए गए तो वर्तमान से 30 से 40%, आप समझ सकते हैं 30 से 40% जो है वो अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी, अधिक अभ्यर्थी और जुड़ जाएंगे। शिक्षा विभाग के कानूनी जानकारों के मुताबिक
एसटीईटी महज नियोजन के लिए अच्छे शिक्षक चुनने का जरिया भर है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग के पास इस परीक्षा को हर साल कराने का कोई नियम भी उपलब्ध नहीं है। ओके, इसकी कानूनी स्थिति टीईटी की तरह स्पष्ट नहीं है। टीईटी को अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का संरक्षण प्राप्त है, जबकि एसटीईटी को इस तरह का कोई कानूनी संरक्षण हासिल नहीं है। फिलहाल शिक्षा विभाग इस मामले में अपने दस्तावेज खंगालकर एसटीईटी की कानूनी जमीन तलाश रहा है। गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने एसटीईटी के अभ्यर्थियों के लिए 8 साल की छूट दी है। इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है जो 2011 से 2019 के बीच पात्रता परीक्षा के लिए अपनी उम्र सीमा पार कर चुके हैं। फिलहाल विभाग ने इस पर चुप्पी साध रखी है। उल्लेखनीय है कि इस परीक्षा के लिए 3 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म जो है वो भरे जा चुके हैं। 3 अक्टूबर तक जो है वो फॉर्म अप्लाई हुआ है। अब फिर से एक बार ये अप्लाई होगा फॉर्म, तो डेट एक्सटेंड होगा ही होगा। ओके, तो आप लोग निश्चिंत होकर के आराम से तैयारी कीजिए। और कंप्यूटर साइंस की बहुत स्टूडेंट मांग कर रहे हैं, और चूंकि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूं, कंप्यूटर साइंस की तैयारी मैं करवाऊंगा और इसका टेस्ट सीरीज भी बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। इसके बाद सोशल साइंस भी हमारा आने वाला है, इसका भी टेस्ट सीरीज आएगा। सोशल साइंस में हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब का आएगा। और साथ ही साथ जो शिक्षण कला है, शिक्षण कला, इससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका एक अलग से हमारा आएगा। तो आप लोग तैयार रहिए बहुत ही जल्द। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक सारा मटेरियल जो है दारोगा के लिए, एसटीईटी के लिए, सबके लिए तैयार होकर आ जाएगा। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और कंप्यूटर साइंस के लिए बेफिक्र रहें। और अगर आपके पास मटेरियल है तो तैयारी करते रहें। एक बार फिर से मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि कंप्यूटर साइंस में, वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर साइंस में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सिंपल अगर आपको बता दूँ तो आप 10+2 का जो कंप्यूटर का सिलेबस है, आप 10+2 में देखेंगे कंप्यूटर में, तो उसमें जो सिलेबस है उसको पूरा का पूरा आप कवर जरूर करेंगे। उसमें सी लैंग्वेज भी है, C++ भी है, डेटा स्ट्रक्चर भी है, सारा कुछ उसमें है। तो जो भी है उसको कवर करना ही करना है। तो मैं जो है वो इसके लिए तैयार हूँ, और तैयारी भी चल रही है, हमारी टीम भी काम कर रही है उसके ऊपर। तो यही था आज का न्यूज एस्टेट को लेकर के। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच।